आप देखते रहिए। आप आए हैं, शिवम ने इतनी अच्छी फील्डिंग बनाई है, क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत बहुत ही खुशी है, मतलब एकदम, मतलब जैसे इतना खुशी हो रहा है कि इतनी टैलेंट है, जो वैरायटी है इनकी, जिसमें मतलब एकदम प्योर एब्स्ट्रैक्ट से लेके सेमी एब्स्ट्रैक्ट से लेके सेमी फिगरेटिव, इतना अच्छे लार्ज वर्क्स, और नॉट लार्ज एक्चुअल राइट साइज वर्क्स, क्योंकि लार्ज वर्क्स तो खाली दिल्ली के घरों में घुस सकते हैं, अपने बॉम्बे के घर में तो लार्ज वर्क घुसते ही नहीं है, पर वो जो साइज़ उन्होंने बराबर साइज भी चूज़ किया है, इतनी जो डेप्थ है उनकी, और जो उनके लेयरिंग है और जो टेक्सचर किया है, इट इज़ एट हिज एज इट इज़ समथिंग मार्वलस। कारण ये सीजन आर्टिस्ट ये लोग ऐसा करते हैं, टेक्सचरिंग लेयरिंग, पर ये एज में कर रहे हैं, तो मतलब बहुत ही, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सर। मला सांगायला अभिमान वाटतोय की हा शिवम जो आहे, त्याच्या आई वडिलांनी अक्षरशः रात्रंदिवस आणि वर्षानुवर्ष त्याला मेहनत करून त्याला पुष्कळ उभं केलं आहे, त्याला एवढं ते उत्तेजन दिलं आहे, आणि त्यामुळेच इथून प्रगती करू शकला आहे। एका आजारामुळेच पडलं नाही, त्याने सगळे मागे मागे घेतलं होतं, दिसून आली होती, तर त्याने सगळं पार पडून आपण आपण बघताय, डोळ्यासमोर बघताय की जी विविध जी चित्ररूप त्याने उभं केलं आहे, प्रदर्शन उभं केलं आहे, ते कौतुकास्पद आहे। कारण गेली आता गेले म्हणतो 5 ते 6 वर्ष कंटिन्युअस त्याचं काम चाललं आहे, रात्रंदिवस तो मेहनत करतो आहे, आणि माझी खात्री आहे की हा जो आमचा शिवम जो आहे, शेळगावमधून इकडे येऊन त्याने प्रदर्शन मांडलेलं आहे, नक्कीच त्याकडे यशस्वी होईल, आणि मुंबईतला म्हणा जळगावमधला म्हणा एक उत्तम यशस्वी चित्रकार कलाकार होईल, याची आम्हाला खात्री वाटते, त्याचा आम्हाला अभिमान वाटत आहे। धन्यवाद। मैं थोड़ा सा आर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, कुछ मैंने रिसेंटली कुछ काम भी किया है आर्ट इंडस्ट्री में, इन टर्म्स ऑफ सेलिंग एंड बेसिकली मेकिंग डील्स। तो थोड़ा जो मैंने आर्ट देखा है, ये आर्ट के बारे में मैं बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में जो कहना चाहूँगा कि दिस इज़ एक्चुअली अ प्योर सोल। यू कैन सी लॉट ऑफ इनोसेंस, लॉट ऑफ क्लीन सोल वर्क विच इज़ हैपनिंग हियर। देयर इज़ नो थॉट इन टर्म्स ऑफ वेदर ये किसी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ये बिकेगा नहीं बिकेगा, दैट इज़ नॉट द थॉट। प्लस आई कैन सी लॉट ऑफ डिफरेंट जॉनर्स, लाइक एक आर्टिस्ट का एक स्टाइल होता है, सो आई कैन सी लॉट ऑफ डिफरेंट जॉनर्स, देयर लॉट ऑफ मिक्स ऑफ कलर्स एंड लॉट ऑफ डिफरेंट जॉनर्स। लाइक यहाँ पे आप देखोगे सीनरीज वाले भी हैं, वहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट भी है, वहाँ पे देर आर यू नो ह्यूमन का ये भी है। सो व्हाट आई कैन से इज शिवम हैज़ डिफरेंट verticals or different dimensions in his art, and I wish him all the best. And what actually attracted me to come here is jab mujhe pata chala ki the painter is a very young guy, aur uska jo medical jo uska ek hai, that has become actually his plus point, and he is portraying everything what he feels on the canvas, and that is what I can see here, and I wish him all the best. And I can see great future for Shivam. Thank you. प्रदर्शन आज या मुंबईतल्या नामवंत कला दालनात होतं आहे, आणि जळगावहून आलेला 25 वर्षाचा युवक हे उदाहरण आहे मुंबईकरांकरता आणि मुंबईकर तरुणांकरता, की त्याची चित्रकलेतली हातोटी क्या बात, लाजवाब। म्हणजे मला वाटतं मुंबईकरांनी नक्कीच 3-4 दिवस हे प्रदर्शन जे आहे ते प्रदर्शन पाहण्याकरता यावं, आणि खास करून युवकांनी यावं, पालकांनी आपल्या पाल्यांनासुद्धा हे प्रदर्शन दाखवण्याकरता घेऊन यावं अशी मी विनंती करेन। अतिशय सुंदर, वा, भले शाबास। शिवमचं हे आता आर्ट गॅलरीचं उद्घाटन झालेलं आहे, आणि त्या ह्याच्यात त्याची जी प्रगती मी लहानपणापासून बघितलेली आहे ती अफाट आहे। ह्या आर्ट गॅलरीच्या मार्गाने तो बरंच दिशा आणि बऱ्याच ठिकाणी तो मार्गक्रमण करणार आहे,
आणि हा नक्कीच सक्सेसफुल होणार आहे याचं मला पूर्णपणे खात्री द्यायची आणि त्याच्यासाठी त्याला माझ्या शुभेच्छा. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि उसने ब्लैंक कैनवस को इतना ब्यूटीफुली उसने कलरफुल बना दिया है, जैसे हम अपनी ज़िंदगी चाहते हैं कि कलरफुल रहे, तो बस वैसा शिवम ने किया है और हम चाहेंगे कि वो और आगे बढ़े और उसके जो इमेजिनेशन है वो कैनवस पे उतारे और हम हमेशा उसके साथ हैं और इतने ग्रेट दादा दादी नाना नानी और पापा मम्मी का उसको साथ मिला है और हम सब परिवार उसके साथ खड़े हैं तो बहुत ज़्यादा वो गरुड़ भरा लेगा और हम उसके साथ रहें. शिवम को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मेरे ख्याल से 15-16 साल पहले मैं उनके घर पे गया था जलगांव में, छोटा बच्चा था तब, गर्मी में एक कोई काम के लिए गया था तो उसने मुझे एक छोटी सी पेंटिंग करके दी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक छोटा बच्चा एक पेंटिंग करके किसी को गिफ्ट देता है, मेरे लिए बहुत फैंटास्टिक बात थी. उसके बाद में एक दो बार जहाँ जब उसके यहाँ पर एग्जीबिशन हुए बम्बई में तब मैं उनसे मिला था और जो उसकी डिसेबिलिटीज जो है बचपन से, अभी हमने सुना कि उनको बहुत प्रॉब्लम थे, मतलब वो मरते मरते वो बच्चा बच गया था, इतना बड़ा हो गया. तो आई थिंक व्हाट ही हैज मैनेज टू डू, व्हाट ही हैज मैनेज टू डू इज अमेजिंग कि मतलब ऑन द डिसेबिलिटीज इतना आगे जाके इतना बड़ा एग्जीबिशन करे. और मुझे सबसे खास बात ये लगी इसमें कि नॉर्मली जो राइटर होता है या आर्टिस्ट होता है उसका एक स्टाइल रहता है, तो उसी डायरी में काम करता है. इतनी वैरायटी कोई आर्टिस्ट नहीं करता, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो भी उनकी एक स्टाइल रहती है कि आप पेंटिंग देख के आप बोल सकते हैं कि इनकी पेंटिंग है, लेकिन शिवम ने ये जो वैरायटी दिखाई है यहाँ पे, मेरे ख्याल से दिस इज मच बियॉन्ड हिज एज एंड ही विल गो वेरी फार विद दिस. कलाकार हमेशा नया ही होता है. क्या होता है कि ये जो आर्ट की दुनिया है बड़ी विविधता है, इसमें हर कलाकार की एक अपना सोचने का ढंग होता है, उसकी एक कल्पना होती है, उसके एक विचार होते हैं. अब ये शिवम की जो बात है इसको मैं अपने नज़रिए से अगर मैं देखूं तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये कलाकार है, इसके अंदर एक कला की एक खूबसूरत आत्मा है जो ये पेंट करती है. अब रही बात यह है कि इस बच्चे को थोड़ी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी और एक अच्छे गुरु की मार्गदर्शन में अगर ये बच्चा रहे तो काफ़ी मेहनत करता है तो उसको एक सही रास्ता मिलेगा जो आगे चल के इस कलाकार के लिए खूबसूरत मंजिल मिल सकती है. क्या होता है कि रंगों से खेलना एक अलग बात है लेकिन कलर में जीना दूसरी बात होती है. तो अगर बच्चे को सही गाइड नहीं मिले तो पता चलता है कि ये रास्ता भटक भी सकता है. तो हम ये चाहेंगे कि ये बच्चा मेहनत करे और सही किसी गुरु के शिष्य बनकर या किसी मार्गदर्शन में अपना काम करे. तो ये बच्चा काफ़ी मेहनत कर रहा है तो इसी आगे चल के ये काफ़ी सक्सेस हो सकता है. समय बर्बाद ना करें, अपनी मर्जी से हम कुछ भी करते हैं लेकिन जब तक पेंटिंग जो होती है ये इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद बात करती है. तो जब तक हम एक सही जर्नी नहीं तय करेंगे एक गुरु की हैसियत से, ये कलाकार की हैसियत से उस सर्कल में रहें और उससे रिलेटेड ये जो दुनिया है पेंटिंग की उस दुनिया में रहें और सही मार्गदर्शन में चले तो बच्चा काफ़ी मेहनत करके आगे जा सकता है. तो हमारी शुभकामना है और आगे चल के ये और मेहनत करें, बस मैं इतना कहना चाहूँगा. मैं डॉक्टर जसवंत पाटिल MD एलोपैथी बाद में होम्योपैथी, ये करके हमने जलगांव में शिवम हुजूर बाजार जो आज के बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए जिनका जहांगीर आर्ट गैलरी जैसे यहाँ पर प्रदर्शन भी लगी है, इनके बारे में मैं थोड़ी सी बात बताऊँ. जब मेरी शुरुआत हुई होम्योपैथी सीख के एलोपैथी का डॉक्टर होने के बाद तो ये माँ बाप इनको गोद में लेके रो रहे थे क्योंकि पूरे दुनिया में कि पांचवी या छठी केस जिसमें कोई गुंजाइश नहीं बचने की, ऐसे हालत में रो रहे थे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था. तब हमने उसको एक ट्रायल के हिसाब से होम्योपैथी की दवा ट्राई करके देखते, कोई किसी का भरोसा नहीं था और हम भी बहुत नए नए सीखे हुए थे क्योंकि एलोपैथी से होम्योपैथी में आए थे और वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड किए और धीरे धीरे उनको एक दूसरा जन्म मिला,
पर इतनी सारी बीमारियों का आघात हो गया था, इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ देने के कारण उनके ब्रेन डैमेज हो गया, तो कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये बच्चा बचेगा, और बचा भी तो पूरी तरह से नॉर्मल बनेगा या नहीं, ये कोई गुंजाइश नहीं थी। पापा मम्मी रोते थे, हम भी बहुत केयर करते थे, मैंने देखा भगवान ने इसको जन्म दिया है, हम तो सिर्फ करता है, लेकिन इसको दूसरी जान मिली है, दूसरा जीव मिला है, दूसरी ज़िंदगी मिली है, और ये एक कुछ ना कुछ बुराई में अच्छाई आती है, ये निसर्ग का नियम। नाम शिवम चंदी दुर्वाजर, मैं जीडियाज के लिए मेरा ड्रॉइंग लहानपणा मुझे खूब आवड़ है। आज आजपासन मज 5-11-2022 नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी थोड़ो शो प्रदर्शन है तो बढ़ा नक्की है। धन्यवाद। मनापासून ड्रॉइंगची आवड आहे। मी ॲक्चुअल मॉडर्न आर्टमध्ये स्वतःला डेव्हलप करते। बचपन से वो यही कर रहे थे, एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है सब कुछ, किसी ने बताया नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट करो ऐसा करो, लेकिन 8-9 साल से वो हजारों पेंटिंग्स करके स्टेज पर आ रहा है। अभी जैसे 8 एग्जीबिशन पुणे में था, जलगांव में 3-4 हुए, मुंबई में 3 हुए, आज का ये है। और बहुत जलगांव में घर में पूरा आर्ट गैलरी बनाया हुआ, तो वो डायरेक्शन से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आज यहाँ पे कितनी पेंटिंग की लगी है? ऑलमोस्ट 50 पेंटिंग, और वेरियस साइज है, मीडियम से लार्ज साइज, डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन, और वो उसका शीर्षक भी वही रहता है कि बियॉन्ड थॉट्स, यानी अपने को सोचना नहीं, सोचना कि आगे सब जो चल रहा है ना वो उसने पेंटिंग में डाल दिया, मन के पीछे आगे जो है वो सब उन्होंने इसमें डाल दिया। इथे शिवमच्या प्रोग्रामला आले आहे एक्झिबिशनला, आणि तो जेवढा निरागस आहे तेवढंच निरागस त्याने त्याच्या पेंटिंगमध्ये सगळं व्यक्त केलेलं आहे। सप्त रंगांमध्ये त्याने ते सगळी भाषा, त्याचे जे काही व्यथा आहेत, काही त्रास आहे किंवा जो आनंद आहे तो त्याने इथे व्यक्त केलेला आहे पेंटिंगद्वारे। आणि ते बघताना आम्हालासुद्धा तो खूप आनंद होतो आहे। पॉझिटिव्ह थिंग त्याचे जे काही विचार आहेत ते मांडले आहेत, जसं की पहाट, रात्र, माणसांची गर्दी, बायकांची व्यथा, या सगळ्या गोष्टी या पेंटिंगमध्ये आहेत, आणि ते बघण्यामध्ये खूप आनंद झाला, खूप मजा आली, आणि त्याची पॉझिटिव्ह एनर्जी अशीच वाढत राहू दे, आणि आम्हाला त्याच्या अजून पेंटिंग बघायला मिळू दे। थँक्यू। हॅलो एव्हरीवन, मी आता पेंटिंग्स बघितल्या, त्या खूप अमेझिंग आहेत। त्या सगळ्या पेंटिंगमधून काही ना काहीतरी एक मेसेज मिळतो असं मला वाटलं, आणि खूप फॅब्युलस आहेत। मला खूप बरं वाटलं इथे येऊन, मला खूप पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळाली आणि खूप अमेझिंग केलं, आणि मी त्याला मी शिवमला खूप बेस्ट ऑफ लक विश करते। आणि सबस्क्राइब नाउ अँड प्रेस द बेल आयकॉन, नेव्हर मिस अन अपडेट।